नमस्कार। आज का दिन मंगलवार है और भाई दूज के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई दूज अपने में एक बहुत अमेजिंग स्पिरिट लेके आता है और जिनके भाई हैं वो तो ज़रूर बांधें, लेकिन किसी किसी के लिए हमारी फीलिंग्स होती हैं, हम उनके लिए भी तिलक करते हैं और कुछ गर्ल्स अपने फादर के लिए भी करते हैं, बिकॉज़ वो भी एक फादर हमारे जो होते हैं वो एक ब्रदर का रोल भी करते हैं। तो आज इन सब चीज़ों को सेलिब्रेट करने का दिन है और मैं आशा करती हूँ आप सबका दिन आज भाई दूज में बहुत अच्छा बिताने वाले हैं आप। तो उससे पहले हम देखते हैं कि दिन की शुरुआत से कि हमारा गाइडेंस क्या है आज का दिन। तो डे इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, रेड कलर सबको बहुत मज़ा देगा। लिव इन द मोमेंट, विच मीन्स कि जो आप कर रहे हैं उसको फुली हैप्पीनेस से इंजॉय करें और सबके साथ मिल बांट के जो भी आप कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करें और भगवान को उसके लिए प्रार्थना करें। तो शुरुआत करते हैं हम एरीज के साथ। एरीज के लिए एडवाइस ये है कि जब हमारे को लगता है कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो कुछ नया शुरू होता है, तो आज ट्रांसफॉर्मेशन का डे है। ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज में फ़र्क ये होता है कि चेंज हम सिर्फ कोई एक चीज़ करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि जहाँ पे हम अपना एक पूरा थॉट प्रोसेस, लाइफस्टाइल पूरा चेंज कर देते हैं। जैसे कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिर हम मेडिटेशन नहीं करते हैं और उसके लिए हम सुबह 4 बजे उठने लग जाएँ या हम अपने खाने पर माइंडफुल हो जाएँ। तो अब आपके लिए भी जो भी चीज़ें आपको लगता है कि जो मैं अचीव करना चाहता हूँ उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, तो ज़रूर करिए। नेक्स्ट इज टॉरस। टॉरस के लिए एडवाइस ये है कि जो आपको जानते हैं उनको अप्रिशिएट करिए, वो आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उनको अप्रिशिएट करिए। और छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो आपको भगवान की और सबकी अपने एक्शंस में अप्रिसिएशन मिलेगी। तो आज एक्शन और अप्रिसिएशन को पाने का दिन है। नेक्स्ट इज जेमिनाई। जेमिनाई के लिए एडवाइस ये है कि जब भी लगे मैं बहुत अच्छा हो रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, आपके अंदर एक ईगो आ रही है, उसको रीथिंक करने की ज़रूरत है। आज जब भी आपको लगे कि मैं जब कुछ बताने जा रहा हूँ किसी को तो मैं क्या कुछ प्रूविंग कर रहा हूँ, कोई ईगो मेरे अंदर आ रही है, या मैं किसी को हेल्प करना चाह रहा हूँ, या मैं काइंडनेस से बता रहा हूँ, या मैं सेल्फ इस्टीम से बता रहा हूँ, तो जब भी ईगो आए चेंज योर थॉट, सेल्फ इस्टीम को लेके आइए। नेक्स्ट इज कैंसर। कैंसर के लिए एडवाइस ये है कि जो भी स्टेप्स आप अपनी हेल्थ के लिए ले सकते हैं टू मेक इट बेटर, हेल्दी, इंजॉयबल, उसको करिए। अगर आपको कुछ एडवेंचर करने का मन कर रहा है तो उसको करिए, लेकिन जो भी चीज़ें, पानी पीना है, हेल्थी खाना है, रात को टाइम से सोना है, सुबह टाइम से उठना है, ये सब स्टेप्स लेने का दिन है। नेक्स्ट इज लियो। लियो के लिए एडवाइस ये है कि जो आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको अचीव करनी है, आप देख रहे हैं कि वो पॉसिबल हो रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, पीपल आर रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू नो व्हाट यू थिंक, बट आज अपने आप को लेकिन फॉरगिव करने का भी दिन है। अगर आपको लगता है कि मैं अपने आप को उतना श्रेय नहीं दिया है जितना मुझे देना चाहिए था और मेरे को जो मैं चीज़ अचीव करी हैं उसके लिए मैंने अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करा है, आज का दिन उन चीज़ों को भी करने का दिन है। नेक्स्ट इज वर्गो। वर्गो को आज ये एडवाइस ये है कि एक तो आप हेल्दी खाना खाएं आज, हो सकता है आपको कुछ टेम्पटेशन हो जाए, कुछ आपको ऐसे पार्टी में चले जाएं और आपको लगे कि आई कैन, टुडे इज़ जस्ट वन डे, आई कैन डू दैट, बट आई वुड से बी माइंडफुल जो आप खाएं और जो आप पिएं। दूसरा, आपको न्यू डायरेक्शंस मिलने वाली हैं जिसमें कि आप बहुत बिजी होने वाले हैं, सो उसको सेलिब्रेट करने का दिन है। नेक्स्ट इज लिब्रा। लिब्रा के लिए एडवाइस ये है कि अपनी फिजिकल हेल्थ पे आप जितना ध्यान लगाएंगे उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको मालूम है मेरे को काम कैसे बढ़ाना है, कितना किसके साथ क्या करना है, लेकिन अपने फिजिकल एस्पेक्ट, अपनी हेल्थ को लेके कभी कभी छोड़ देते हैं, तो आज उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए एडवाइस ये है कि आपकी सिक्स सेंस बहुत बढ़िया जा रही है,
लेकिन आप बहुत सीरियस भी हो गए, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस होना अच्छा है, इंटेलिजेंट होना अच्छा है, सब कुछ होना अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ह्यूमर भी लाइफ में होना चाहिए. तो ब्रिंग सम ह्यूमर टू योर लाइफ, वॉच समथिंग फनी और मीट योर फ्रेंड्स एंड ट्राई टू सी ह्यूमर इन डिफिकल्टीज ऑल्सो. नेक्स्ट इज सजिटेरियस. सजिटेरियस के लिए एडवाइस ये है, हो सकता है कि आप थोड़ा सा गुस्सा हो जाए, थोड़ा सा आपको जो चीज़ें नहीं हो रही हैं इरिटेशन हो जाए, आप आसपास लोगों को उसको वर्बली भी बोलें, लेकिन बोलना बुरा नहीं है. हम अपने थॉट्स को कैसे बोलते हैं ये बहुत ज़रूरी है. तो अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे चीज़ें बोलनी है, तो थोड़ा अंदर किसी बाथरूम में जाइए और मिरर पे बहुत ज़ोर से बोलिए, काम होके फिर जिसको जो बोलना है उसको आप कामनेस से बोल पाएंगे. नेक्स्ट इज कैप्रिकॉर्न्स. कैप्रिकॉर्न्स के लिए एडवाइस अच्छा है, अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान दीजिए, अपने थॉट्स पे बहुत ध्यान दीजिए, अपने खाने पे बहुत ध्यान दीजिए. और इवन आपको अगर लगता है कि आई नीड टू गेट अवे फ्रॉम माई हाउस, मुझे कहीं बाहर जाके थोड़े दिन एक दो दिन रहने का मन कर रहा है, या मैं सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तो आपको वो करना चाहिए. इट विल गिव यू लॉट ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट इज एक्वेरियस. एक्वेरियस के लिए एडवाइस ये है कि बोलने से पहले थोड़ी सी अच्छाई भी देख लीजिए किसी के अंदर. सारी खराबियाँ उनके अंदर नहीं है, शायद कुछ चीज़ें हमारे अंदर भी कमी हो सकती है. तो हो सकता है कि उनकी चीज़ नहीं अच्छी लग रही हो, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे फ्रेश ईयर्स और फ्रेश आईज से कि क्या इसमें भलाई है मेरे लिए, और फिर आप देखिए कि आपको आंसर देने का आपका तरीका चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट इज स्पाइसेस. स्पाइसेस के लिए एडवाइस ये है कि जो भी आपको अपने हेल्थ रिलेटेड फियर्स लगते हैं उनको एक जगह पे लिखिए, देखिए उसमें से कितने परसेप्शंस हैं और कितनी रियलिटी है, देन उसके ऊपर फैक्ट्स को चेक कीजिए. और जब वो आपके आंसर्स मिल जाए, देखिए कि मैं क्या लेजी हूँ या मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ, और मैं अपनी फिजिकल लाइफ को इतना ईजी क्यों ले रही हूँ या ले रहा हूँ, तो आज उस पर एक्शन करने की जरूरत है. तो मैं आशा करती हूँ आप सबका दिन बहुत अच्छा रहेगा, और हैव अ ग्रेट डे. नमस्कार.